बस रवानगी से पहले रोडवेज बस चालक परिचालक का टेस्ट होगा। दुर्घटनाओं को रोकने व यात्रियों की सुरक्षा को लेकर अब रोडवेज बसों में सख्ती की जाएगी। बस चलने से पहले चालक व परिचालक का टेस्ट करवाना होगा। अगर नशे में मिले तो ड्यूटी पर नहीं भेजा जाएगा। इस संबंध में कार्यकारी निर्देशक यांत्रिक ने सख्त निर्देश दिए हैं। जानकारों का कहना है कि आए दिन हो रहे हादसों को देखते हुए ये कदम उठाए गए हैं। आदेश में चालकों व परिचालकों को बस रवानगी से पहले ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट करवाना होगा। जाँच में कार्मिक के नशे में मिलने पर उसे वाहन के साथ नहीं भेजा जाएगा। साथ ही अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा 50 साल से अधिक उम्र के चालकों के लिए साल में 2 बार नेत्र व शारीरिक जांच करवाना भी जरूरी होगी। सीट बेल्ट नहीं मिला तो कार्यवाही होगी। निर्देश में रोडवेज चालक के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य किया गया है। उड़न दस्ते की जांच के दौरान अगर चालक सीट बेल्ट पहने नहीं मिला तो कार्यवाही की जाएगी। देखने में आता है कि रोडवेज बस में अधिकतर चालक सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब सीट बेल्ट भी लगाना होगा। इसके अलावा बस संचालन के दौरान चालक मोबाइल का यूज नहीं करेगा। साथ ही टेप रिकॉर्डर व रेडियो पर पाबंदी लगाई गई है। वही बिना फिटनेस के किसी भी बस का संचालन नहीं करने के भी निर्देश दिए गए हैं। झुंझुनू डिपो के मुख्य प्रबंधक राकेश गढ़वाल ने बताया कि मुख्यालय से निर्देश मिले हैं। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।